नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अगर किसी के घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवारों को आगामी एक महीने में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने विभाग को सघन अभियान चलाकर उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को कनेक्शन देने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री दिशा निर्देश कमेटी की प्रांत स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में केंद्र और हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं, सीएम ने बैठक में अधिकारियों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के संग ये बैठक की है और इसमें क्या खास बातें रही वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पात्र परिवारों को एक महीने में गैस कनेक्शन मिले, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। हर घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो भी जो भी लोगों की बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर फोकस कहीं ना कहीं इस बैठक में किया गया है। 1 नवंबर से पहले हर गांव के हर घर कनेक्शन मिलेगा, सीएम की तरफ से साफ कर दिया गया है। बैठक के बाद स्कूलों के स्टाफ के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक होती है वो हर 6 महीने बाद होती है। प्रांत में विभिन्न विभागों के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट से उनको भी साथ बुला करके, प्रदेश के भी जो सरकार से संबंधित कुछ लोग उसमें रहते हैं, तो ऐसा हर एक विभाग की सब चर्चा की जाती है। उसमें 6 महीने में क्या क्या प्रगति हुई है, जितने बजट होते हैं, खास करके केंद्र सरकार की योजनाएँ, उस पर विशेष फोकस होता है। जो कठिनाइयाँ हमारी होती हैं वो मेंबर पार्लियामेंट को बताई जाती हैं। इसलिए आज एक सब विषयों की चर्चा करते हुए और दिशा की वो बैठक हुई है और उसमें लगभग सारे प्रोजेक्ट जितने चार किए गए थे पहले वो सब पूरे हुए। कुछ एक में कोविड के कारण से थोड़ा डिले हुए हैं, वो अगले 6 महीने में उन सबको गति दे करके पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बैठक आज हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की हुई। हमने एक जो नया ये प्रावधान शुरू किया है ई भूमि का, इस पहले तो एक्वायर की जाती थी ज़मीनें, लेकिन एक्वायर करने के बजाय हमने ई भूमि का जो सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर 3 लेवल पर ये मीटिंग्स होकर के ज़मीन को परचेज करने के लिए नेगोशिएशन से हम पूरा करते हैं। पहला डीसी लेवल पर होता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी लेवल पर होता है और तीसरा एक हमारी कैबिनेट की एक कमेटी है बनी हुई, जिसमें रेट्स जो हैं वो 20% से हायर रेट्स अगर डिमांड किए जाते हैं कलेक्टर रेट से, तो वो फिर जो हमारी कैबिनेट की कमेटी बनी हुई है हाई पावर परचेज कमेटी, उसमें हम लेकर के आते हैं। तो आज 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे। लगभग 311 एकड़ ज़मीन और 172 करोड़ रुपये में आज वो खरीद की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके सब आज नेगोशिएशन के द्वारा पूरे हुए। प्रति एकड़ 40 कम से कम 40 लाख का रेट और ज़्यादा ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकड़ तक भी ये ज़मीनें ली गई हैं। मुख्य सब जो प्रोजेक्ट्स आज फाइनल हुए हैं उसके अंदर एम्स जो मनेठी में बनना है उसमें 140 एकड़ ज़मीन वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है। इसी प्रकार